भारत के जाने माने बिजनेसमैन और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा का बुधवार देर शाम निधन हो गया। 86 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। उन्हें उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं होने के चलते अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। आपको बता दें, 28 दिसंबर 1937 को पारसी फैमिली में जन्मे रतन टाटा का जीवन लोगों के लिए प्रेरणादायक रहा है और ऐसे कई उदाहरण भी मौजूद हैं। उन्होंने अपनी ही कंपनी में कर्मचारी बनकर काम किया, तो वहीं दूसरी ओर अपने कारोबार से होने वाली आमदनी का 60% हिस्सा ज्यादा से ज्यादा दान करके देश के सबसे बड़े दानवीरों में शुमार रहे। यही नहीं, उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर जिस बिजनेस को छुआ उसे सोना बना दिया और कई लोगों की किस्मत भी बदल दी। आइए रतन टाटा के बारे में आपको और भी कुछ दिलचस्प जानकारियां देते हैं। दिवंगत रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था, लेकिन उनका बचपन बहुत अच्छा नहीं बीता। दरअसल बचपन में ही उनके माता पिता अलग हो गए थे और इसके बाद रतन टाटा का पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। शुरुआती शिक्षा के बाद रतन टाटा हायर एजुकेशन के लिए अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी गए थे और वहाँ से बी आर्क की डिग्री प्राप्त की थी। पढ़ाई पूरी कर भारत लौटने से पहले उन्होंने करीब 2 साल तक लॉस एंजल्स में जोन्स और इमंस के साथ कुछ समय के लिए नौकरी भी की थी। वहीं साल 1962 के अंत में दादी नवाजबाई टाटा की तबीयत खराब होने के चलते वो नौकरी छोड़कर भारत लौट आए थे। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। एक इंटरव्यू के दौरान खुद रतन टाटा ने अपनी लव लाइफ के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी में प्यार ने एक नहीं बल्कि 4 बार दस्तक दी थी, लेकिन मुश्किल दौर के आगे उनके रिश्ते शादी के मुकाम तक पहुंच नहीं सके। दादी की तबीयत खराब होने के चलते वे अमेरिका से भारत आए थे, लेकिन उनकी प्रेमिका भारत नहीं आना चाहती थी। उसी वक्त भारत चीन का युद्ध भी छिड़ा हुआ था। आखिर में उनकी प्रेमिका ने अमेरिका में ही किसी और से शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान टाटा ग्रुप पर लगाया और समूह की कंपनियों को आगे बढ़ाने पर काम किया। अमेरिका से भारत लौटने के बाद अपने पारिवारिक बिजनेस ग्रुप टाटा के साथ करियर शुरू किया, लेकिन आपको बता दें कि जो कंपनी टाटा फैमिली के सदस्य मालिक की पोजीशन पर थी, उस कंपनी में रतन टाटा ने एक सामान्य कर्मचारी के तौर पर काम शुरू किया। इस दौरान उन्होंने टाटा स्टील के प्लांट में चूना पत्थर को भट्टियों में डालने जैसे काम भी किए थे और बिजनेस की बारीकियां सीखी थी। टाटा स्टील में काम करने के बाद 1991 में उन्होंने टाटा ग्रुप की कमान थामी और फिर शुरू हो गया टाटा की कंपनियों के बुलंदियों पर पहुंचने का सिलसिला। उन्होंने कारोबार विस्तार पर फोकस करना शुरू कर दिया। टाटा समूह की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने वैश्विक विस्तार किया और टाटा टी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील जैसी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाया। आज इन कंपनियों का कारोबार बहुत बड़ा हो चुका है और ये कंपनियां लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराती हैं। जब टाटा ग्रुप में JRD का उत्तराधिकारी चुनने की बारी आई, तो उस समय रतन टाटा सबसे योग्य व्यक्ति थे जो उनकी जगह ले सकते थे और समूह की कमान संभालने के बाद उन्होंने इसे साबित भी कर दिखाया। JRD टाटा के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए उन्होंने टाटा ग्रुप के कारोबार के विस्तार से जुड़े कई अहम फैसले लिए। हालांकि कमान हाथ में लेने के बाद वो JRD टाटा से हर बड़े कदम पर राय मशवरा जरूर करते थे। वहीं आपको बता दें कि 90 के दशक में ऑटोमोबाइल सेक्टर में फोर्ड का बड़ा नाम था, लेकिन टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स के हाल ठीक नहीं थे और रतन टाटा ने इसकी पैसेंजर कार डिवीजन को बेचने का मन बनाते हुए फोर्ड के साथ डील की थी। लेकिन अमेरिका कार निर्माता फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड ने डील के दौरान मजाक उड़ाते हुए रतन टाटा का अपमान किया था। इसके बाद उन्होंने बिक्री का प्लान कैंसिल कर दिया और टाटा मोटर्स को आगे बढ़ाने पर फोकस किया। वहीं महज 9 साल के बाद बाजी पलटी और फोर्ड के 2 लोकप्रिय ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदकर बिल फोर्ड को झुकने पर टाटा ने मजबूर कर दिया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा ग्रुप का कारोबार तेजी से आगे बढ़ा और देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में टाटा का डंका बजा। अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर विशाल साम्राज्य खड़ा करने वाले रतन टाटा को भारत सरकार की ओर से बड़े सम्मान मिले। साल 2000 में जहां रतन टाटा को पद्म भूषण दिया गया, तो वहीं साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। रतन टाटा ने एक ऐसा सपना देखा था जिसे पूरा करना शायद हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन रतन टाटा ने ये कर दिखाया। हम बात कर रहे हैं देश की पहली लखत किया कार टाटा नैनो के बारे में।
भारत के आम आदमी को 1 लाख में कार खरीदने का मौका रतन टाटा ने ही दिया था। उन्होंने बाजार में 2008 में टाटा नैनो उतारी, हालांकि ये कार उनकी उम्मीदों के अनुसार बाजार में धमाल नहीं दिखा पाई। वहीं दिवंगत रतन टाटा को बड़ा बिजनेसमैन, दरियादिली इंसान के साथ डॉग लवर के तौर पर भी जाना जाता था। आवारा जानवरों के प्रति उनका प्यार देखते ही बनता है। सोशल मीडिया पर भी अरबपति उद्योगपति कुत्तों के साथ अपनी तस्वीरें और उनकी सुरक्षा के लिए अपील भरी पोस्ट शेयर करते रहते थे। रतन टाटा के ड्रीम प्रोजेक्ट 98,000 वर्ग फीट में फैला और 5 मंजिला पशु अस्पताल साउथ मुंबई के महालक्ष्मी क्षेत्र इसी साल शुरू हुआ है। रतन टाटा जीवन भर अकेले रहे और उन्होंने शादी नहीं की, लेकिन अकेलेपन का दर्द उन्हें हमेशा होता था। साल 2022 में बुजुर्गों की सेवा के लिए एक स्टार्टअप गुड फैलोज में इन्वेस्टमेंट का ऐलान करते हुए उनका ये दर्द दुनिया के सामने आया था। उन्होंने कहा था कि आप नहीं जानते कि अकेला रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते, तब तक एहसास नहीं होगा। रतन टाटा का सिर्फ अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स पर ही विशेष फोकस नहीं था, बल्कि वे लग्जरी कारों की सवारी करने के भी शौकीन थे। उनके कार कलेक्शन में एक से बढ़कर एक कारें शामिल थी। दिखावे से दूर और सादगी भरा जीवन रतन टाटा की पहचान है, जहां देश के एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में आज भी वो जाने जाते हैं। आपको बता दें कि उनके सादगी की चर्चा खूब होती है। उन्होंने कभी दिखावे पर भरोसा नहीं किया और पूरी जिंदगी सादगी भरा जीवन जिया। रतन टाटा बेहद सादगीपूर्ण जीवन जीते थे, लेकिन उनके कई बड़े शौक भी थे। इनमें पियानो बजाना, लग्जरी कारों और विमान उड़ाने तक का शौक शामिल है। वो 2007 में F-16 फाल्कन उड़ाने वाले पहले भारतीय बने थे। भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सम्मानित किया गया था, जहां एक ओर उन्हें ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था, तो वहीं फ्रांस से भी उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला था। इस साल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान 86 साल के रतन टाटा को मुंबई में अपना वोट डालते भी देखा गया था। 5वें चरण के मतदान के दौरान रतन टाटा अपने मैनेजर शांतनु के साथ पोलिंग बूथ पर वोट डालने के लिए पहुंचे थे और उम्र के इस पड़ाव पर भी मताधिकार का इस्तेमाल करने का उत्साह उनमें साफ दिखाई दिया। बिजनेसमैन, दानवीर, दरिया दिल और पशु प्रेमी के तौर पर भारतीय कारोबारी इतिहास में अलग पहचान बनाने वाले भारत के रतन टाटा ने 9 अक्टूबर 2024 को दुनिया को अलविदा कह दिया। रतन टाटा ऐसे बिजनेसमैन थे जो अपने कारोबार से होने वाली आमदनी का 60% से ज्यादा हिस्सा टाटा ट्रस्ट के जरिए दान करते थे। छोटे बड़े कारोबारियों से लेकर युवाओं तक के लिए आदर्श बन चुके 86 साल की उम्र में उनका मुंबई के ब्रिज कैंट अस्पताल में निधन हुआ। उनके निधन से पूरे देश में शोक का माहौल है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मुकेश अंबानी तक ने शोक व्यक्त किया है। रतन टाटा का हुआ निधन, अस्पताल में ली आखिरी सांस, जानिए क्या हुई थी बीमारी। दिग्गज बिजनेसमैन और अरबपति रतन टाटा का देर रात निधन हो गया। ये खबर सुनकर करोड़ों लोगों की आंखों में आंसू आ गए हैं। उन्हें उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्या होने के चलते मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। बता दें कि 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। 7 अक्टूबर को कुछ परेशानी होने के चलते उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत और बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। अब उनके निधन के बाद वो कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं, ये सभी लोग जानना चाहते हैं। आइए इसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं। पहले आपको बता दें कि रतन टाटा ने मार्च 1991 से दिसंबर 2012 तक टाटा समूह की अगुवाई की। टाटा समूह को उन्होंने बुलंदियों पर पहुंचाया। उन्होंने टाटा ग्रुप को नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक बनाने वाली कंपनी बनाया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण भी किया। टाटा समूह आज देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में से एक है। रतन टाटा ने अपने नेतृत्व में टाटा समूह को एक नई पहचान दिलाई, नया नाम दिलाया। आज टाटा ग्रुप की वो अहमियत है जो देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। आज टाटा ग्रुप की वो अहमियत है जो सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने कई बड़ी विदेशी कंपनियों का अधिग्रहण किया, जिसमें टेटली जगार, लैंड रोवर और कोरस जैसी कंपनियां शामिल हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बन गया। बता दें कि टाटा ग्रुप का कारोबार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। घर की रसोई से लेकर आसमान में हवाई जहाज तक के नाम मौजूद हैं। समूह की 100 से ज्यादा लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां हैं। इनका कुल कारोबार कई अरब डॉलर का है। और अगर बात करें इनके संपत्ति के बारे में, तो रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के रतन टाटा अपने पीछे अनुमानित करीब 800 करोड़ रुपए की संपत्ति छोड़ गए हैं।
रतन टाटा को उनके सामाजिक कार्यों के लिए भी जाना जाता था, क्योंकि सबसे बड़े दानवीर उन्हें ही कहा जाता है। जी हाँ, रतन टाटा एक ट्रस्ट के चेयरमैन थे जो शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीब उन्मूलन जैसे क्षेत्रों में काम करते थे। रतन टाटा को उनके योगदान के लिए कभी नहीं भुलाया जा सकता। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया था। बता दें कि दुनिया में फैले कारोबार को देख उनकी संपत्ति का ये आंकड़ा आपको कम लग सकता है, और इसके पीछे की वजह बताएं तो उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान में चला जाता है। रतन टाटा अपने दरिया दिली के लिए दुनिया के हर घर में जाने जाते थे। देश की टॉप दानवीर में उनका नाम शुमार था, जो अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा दान कर दिया करते थे। बता दें कि ये दान टाटा ट्रस्ट होल्डिंग कंपनी के तहत फार्मों द्वारा की गई कुल कमाई का 66% होता है। हर किसी के लिए वो मददगार थे। और 2004 में आई सुनामी हो या फिर देश में कोरोना महामारी का प्रकोप, हर समस्या के समय, हर संकट के समय रतन टाटा हमेशा लोगों के आगे आए और उनकी मदद की। उन्होंने न केवल सामाजिक कार्यों में बल्कि आर्थिक तंगी से जूझने वाले छात्रों को भी हमेशा मदद करते थे। उनका ट्रस्ट ऐसे छात्रों को स्कॉलरशिप देता था जिनमें जेन टाटा एंड पोमी सर रतन टाटा स्कॉलरशिप और टाटा स्कॉलरशिप के जरिए उनको मदद दी जाती थी।